चलिए बच्चों, वेलकम टू द सेम प्लेटफॉर्म सिल्वर वेस्ट ई लर्निंग ऐप एंड आई योर डियर अनित सर वंस अगेन विद यू विद चैप्टर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 3। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में स्टिल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड द डेफिनेशन ऑफ मेटल, व्हाई मेटल इज कॉल्ड मेटल, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑल्सो। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। सो स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो, किसी भी मेटल या किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग। क्यों? उसके ऊपर बेस्ड होता है सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं, और ये बहुत टफ भी लगता है बच्चों को, हालांकि इतना टफ है नहीं। अगर हमें किसी चैप्टर में से केमिकल प्रॉपर्टीज याद करनी है रिगार्डिंग एनी ऑफ द एलिमेंट, तो पहले उनको रूल आउट कर लो कि हमें लर्न क्या करना है, पढ़ना क्या क्या है, व्हाट वी हैव टू स्टडी। इनफैक्ट एक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमें पढ़नी है एक रिएक्शन ऑफ मेटल नंबर 1 विद ऑक्सीजन, नंबर 2 विद वाटर, नंबर 3 विद एसिड, एसिड कोई भी हो सकता है, नंबर 4 मेटल सॉल्यूशंस। मेटल सॉल्यूशंस दूसरे मेटल्स का सॉल्यूशंस है। ये 4 रिएक्शंस हमें पढ़नी है इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस में, मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस में ये हमें 4 रिएक्शंस पढ़नी है। तो कोई बात नहीं, एक एक मेटल रखते जाओ, एक एक रिएक्टेंट्स इसमें से उठा करके, और जो बेस्ट पॉसिबल हो प्रोडक्ट्स का बनना उसको लिखते जाओ, बहुत इजी है। इसको अभी मैं यहीं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। देखो, तो पहली रिएक्शन क्या हम लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर 1 में कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड्स बनाएंगे। पीरियोडिक टेबल में मेटलाइड्स के लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे मेटल्स हैं, इनमें से कुछ भी उठा लो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 तक जो भी मेटल्स समझ में आए वो मेटल्स एक ले लो, कोई भी एक मेटल ले लो। सोडियम ले लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है, अभी हम इस पे चल रहे हैं, इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। सिंपल, क्या बनाया, Na2O। कैसे बनाया Na2? इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, Na2O बन गया, ठीक। Mg ले लो, ऑक्सीजन ले लो, MgO बन गया। क्यों बना MgO? क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Mg2O2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, MgO बन गया, ठीक है। एल्यूमिनियम ले लो प्लस ऑक्सीजन ले लो, इट इज़ मेकिंग Al2O3। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Al2O3, ठीक। तो अल्टीमेटली बना क्या रहे हैं, व्हेन मेटल्स आर कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन दे मेक्स देयर मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड है, यही तो हमें लिखना है, लिख दो। व्हेन मेटल्स रिएक्ट
विद ऑक्सीजन दे फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड्स हो गया. अब देखो, अब मैं इसे अरेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए. ठीक है, नेचर क्या है मेटल ऑक्साइड्स के, इनके नेचर क्या है, ये हमने चैप्टर नंबर 5 के ट्रेंड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, नेचर ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स. फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स बेसिक्स होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, तो ये बेसिक नेचर होगा. सेकेंड ग्रुप के भी बेसिक होते हैं. एल्यूमिनियम में हमने पढ़ा था कि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है. एम्फोटेरिक नेचर का कैसे, एसिडिक रिएक्शन भी शो करता है और बेसिक भी शो करता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फोटेरिक. ठीक, अब फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई. इसमें क्या था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स. सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड सम आर एम्फोटेरिक. ठीक है, उसमें हम एम्फोटेरिक नेचर में एल्यूमिनियम और जिंक इंक्लूड कर सकते हैं. अब मैं इसे रब कर दूं, इस रिएक्शन को आगे कैरी कर लो. एल्यूमिनियम एंड जिंक गिव्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड. व्हाइल most of metals gives basic oxide. जो हमने अभी reactions लिखी थी उसको word के form में लिख दिया. First reaction हमारी complete हो गई. लेकिन अब जो amphoteric oxides हैं वो हमें दिखाने हैं कि how they are reacting as in acidic medium and in basic medium. तो दिखा दो इसमें क्या है. Al2O3 बना था, एसिडिक मीडियम में दिखाना है तो एसिड के साथ रिएक्शन करा दो HCl, और बेसिक मीडियम में दिखाना है तो बेस से रिएक्ट करा दो Al2O3 प्लस NaOH. ठीक, ये क्या बनाएगा यहाँ पर, AlCl3 प्लस H2O. बैलेंस करनी है तो सिक्स क्लोरीन हो गए, तो यहाँ टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ हमने दो रख दिया. क्लोरीन अपने आप छः हो गए, तो इसको छः कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ सिक्स रख दिया. अब हाइड्रोजन हमारे पास सिक्स, ऑक्सीजन थ्री, तो ये बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन. ये जो प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज एसिडिक इन नेचर. तो ये जो हमने लिखा था कि Al विद ऑक्सीजन मेकिंग Al2O3, इसका एक नेचर एसिडिक है वो मैंने ये शो कर दिया, दूसरा नेचर बेसिक है. तो बेसिक के साथ हमने यहाँ रिएक्शन की. व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या बनाएगा, Na सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, NaAl2O3 NaAlO2, ये है सोडियम एल्यूमिनेट. Na यूज हो गया, एल्यूमिनियम यूज हो गया, ऑक्सीजन बचा,
तो यहाँ पर बनेगा वाटर, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, ये है बेसिक, ये भी कंप्लीट हो गया। तो हमने दोनों के एग्जांपल्स बता दिया आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक करेक्टर शो करेगा, और बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बना के बेसिक प्रोडक्ट बनाएगा। सो दिस नेचर इज नोन एज एम्फोटेरिक, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है इसमें, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम डिजॉल्व टू मेक हाइड्रोक्साइड्स। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम आर सॉल्युबल मेकिंग हाइड्रोक्साइड्स। विद अल्कली, अल्कली मीन्स फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया था और इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट ईयर 10th बोर्ड के एग्जाम में आया था कि राइट डाउन सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स विच आर इनसॉल्युबल। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड्स जो कि इनसॉल्युबल होंगे वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसमें ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होंगे, उनके नाम हम लिख सकते हैं, लेकिन एल्कलीज को छोड़ के, फर्स्ट ग्रुप के मेटल ऑक्साइड्स को छोड़ के, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम, वो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं, लाइक पोटेशियम, K2O प्लस वाटर आर मेकिंग KOH, ठीक है। ये रिएक्शन होगी इसलिए हम इसको सॉल्युबल में रखेंगे। सेकंड रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, सिंपल है। मैंने अभी एक कुछ देर पहले यहाँ ब्लॉग बनाया था, उसमें से फर्स्ट रिएक्शन लिखी थी मेटल की रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ, दैट इज ओवर। सेकंड रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, डिफरेंट मेटल्स वाटर में डिफरेंट लेवल पर रिएक्ट करते हैं, ये तो हमें पता है। सारे मेटल्स एक समान रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर में, अलग अलग मेटल्स वाटर की अलग अलग कंडीशंस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर लिख दो। सेकंड इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कॉमन सेंस जरा थोड़ा सा यूज करो कि जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। पहले एक रिएक्शन फॉर एग्जांपल समझ लो, सोडियम रखा हमने, वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब इस वाटर को अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ तो भी चल जाना चाहिए आपका, HOH, भाई हाइड्रोजन हमने दो जगह डिवाइड कर दिए, तो सोडियम विद OH रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, यही तो हमें लिखना है। इसको अपने वर्ड फॉर्म में लिख दो,
लिखो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद, अच्छा यहाँ आएगा कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर दे गिव्स देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हमने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाएंगे। सोडियम है इन द सेम वे, पोटेशियम आल्सो, पोटेशियम प्लस 2H2O आर मेकिंग 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग। रिएक्शंस कैसे बन रही है ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, यहाँ से ले लो रिएक्शन बनाना, दो सोडियम यहाँ है, दो OH यहाँ से उठा लिए, तो उठा करके हमने यहाँ रख दिया, खाली बचे दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हमने यहाँ रख दिए, हाइड्रोजन गैस मिल गई। अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है बना, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर दे फॉर्म्स देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, यही कंसेप्ट अपने दिमाग में घुसा लो तो मैक्सिमम रिएक्शंस ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ठंडे पानी में रिएक्ट करते हैं और सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव सो दे आर एक्सप्लोसिव एंड एक्सोथर्मिक। When react with water, that's why sodium and potassium are kept in kerosene oil. जब भी कभी sodium और potassium को water से react करेंगे तो ये बहुत highly exothermic होंगे and explosive होंगे, plus बहुत सारी हीट रिलीज करेंगे, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को ना तो ओपन एयर में रख सकते हैं ना ही पानी में रख सकते हैं, तो क्या करेंगे इनको हम केरोसिन ऑयल में रखेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ट इन केरोसिन ऑयल। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैसे नोट्स में एक एक चीज़ क्लियर लिखी हुई है। ठीक है, स्टार बना करके इसको लिख दो, सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ट इन केरोसिन ऑयल। डन। अब देखो, अभी हमने रिएक्शन पढ़ी विद द कोल्ड वाटर, अब जरा नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ लें, रिएक्शन वही होगी, मेटल्स चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, इसको भी इरेज कर देते हैं अब हम, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। देखो कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, बनेगा वही कैल्शियम
प्लस वाटर देन इट इज मेकिंग CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इज एबल, ठीक है, मैग्नीशियम में भी यही होगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इज एबल। इस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज वेरी लाइटर, हाइड्रोजन गैस हल्की है, तो यहाँ पर अगर मैं एक वेसल बना दूँ, इसमें वाटर डाल दिया हमने और कैल्शियम चलो कैल्शियम या मैग्नीशियम डालते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हल्की है, कैल्शियम को बाइंड करके यहाँ पर फ्लोट करना शुरू कर देगी। कैल्शियम मेटल जो हमने वाटर में डाला है, हाइड्रोजन गैस उससे बाइंड हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस हल्की है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। वाई, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज वेरी लाइट विच बाइंड द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लो। वेन कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, देन देयर हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड एंड कैल्शियम मेटल बाइंड विद हाइड्रोजन गैस सो दैट इट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक स्पेसिफिक चीज क्या है, जो मैग्नीशियम हमने यहां लिया है, दिस मैग्नीशियम, दिस विल रिएक्ट विद हॉट वाटर। कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हॉट वाटर, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की वाटर के साथ रिएक्शन देख ली, सेकेंड ग्रुप्स के एलिमेंट्स की वाटर के साथ रिएक्शन देख ली। नाउ कमिंग ओवर टू द रिएक्शन ऑफ थर्ड एलिमेंट्स विद द वाटर, एल्यूमिनियम और साथ में आयरन और जिंक की रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये सेकंड नंबर की रिएक्शन थी, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन विद हॉट वाटर। हॉट इतना कि उसमें से वाटर वेपर्स निकल लीजिए, स्टीम निकल लीजिए। सो एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद वाटर स्टीम। थर्ड, एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम ऑफ वाटर, यानी ज़्यादा गर्म चाहिए इसको रिएक्ट करने के लिए। जैसे जैसे ग्रुप नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लेस मेटेलिक करेक्टर हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट ग्रुप में कोल्ड वाटर से हो गया था, सेकेंड ग्रुप में नॉर्मल वाटर लगा, ठीक है, और इसमें ही मैग्नीशियम था जो हॉट वाटर से हुआ,
थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को वाटर की स्टीम चाहिए, वाटर वेपर्स चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, मेटेलिक करेक्टर कम होता जा रहा है और वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लिख दो, एल्यूमिनियम विद वाटर। देखिए हमारी बुक क्या बोल रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, Al2O3 बना रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। जिंक प्लस वाटर तो ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस, ये केमिकल इक्वेशन दी हुई है। बट ये केमिकल इक्वेशन ब्रेक करके आएगी, कहाँ से आएगी, इसको हम दोबारा ले लेते हैं। Al प्लस H2O, इट इज़ फॉर्मिंग AlOH होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस, थ्री हाइड्रोजन गैस होगी यहाँ पे, ठीक है। ये AlOH होल थ्राइस विल फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू मेक देयर Al2O3। अल्टीमेट रिएक्शन ये है, ठीक है जी। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, कर देते हैं, चलो अभी कर देते हैं। एल्यूमिनियम के दो और वाटर हमें लेने पड़ेंगे, सही लिया था हमने 3 मॉलिक्यूल्स, लास्ट में 3 हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक का भी ऐसे ही होगा, लेड कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर बीइंग लीस्ट रिएक्टिव डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एक चीज, इसकी फोर्थ रिएक्शन, लेड कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होते हैं, तो इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एक ये पॉइंट भी लिख ही लो, एग्जाम्पल समझ में आ गए। वो जब तक केमिकल रिएक्शंस लिखोगे नहीं दो दो तीन तीन बार, तब तक ये केमिकल रिएक्शंस लर्न नहीं होगी, गोखन नहीं हो सकता केमिकल रिएक्शंस का। इसलिए फोर्थ गोल्ड सिल्वर कॉपर एट्सेट्रा, प्लेटिनम भी है, बीइंग लीस्ट रिएक्टिव सो दे कांट रिएक्ट विद वाटर, दे कांट रिएक्ट विद वाटर। दो रिएक्शंस किया आज हमने, एक रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स, दूसरा रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स। रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल बना था मेटल ऑक्साइड्स, वाटर के साथ बना था वाटर हाइड्रोक्साइड्स, और अल्टीमेटली बाद में इसने भी बनाया एल्यूमिनियम के केस में मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्यूशंस, ये हम नेक्स्ट टाइम लर्न करेंगे। बट टिल देन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप इन लेक्चर्स को प्रॉपर देखो, रिवाइंड करो, केमिकल रिएक्शंस को अगेन अगेन एंड अगेन ट्राई टू राइट, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस। अदरवाइज आज याद है कल हम भूल जाएंगे। डेफिनेटली जितना ज़्यादा लिखोगे केमिकल रिएक्शंस को उतना ज़्यादा लर्न कर पाओगे, राइट। सो वेट ईगरली फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड non-metals. Till then, good luck.